morning and welcome back to another new video. And in this video I'm going to talking about how to upload your test on EJCA account. So ये video ना मैंने बहुत दिनों पहले जब मैंने अपना क्लास में मेडिकल कराया था तब मैंने शूट की थी, ऑलमोस्ट 1 month बिफोर. सो अभी मैं उसको एडिट करने के लिए बैठा था. सो मेरे को जस्ट पता चला कि इसको ना एडिट करना मुश्किल है बिकॉज मैंने अपने फ़ोन से वो उसके लैपटॉप में शूट किया था. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू एडिट, बट आई ट्राई माई बेस्ट और दिखाऊंगा कि कैसे सारे अपलोड करने होते हैं EJCA अकाउंट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको EJCA के अंदर लॉग इन कर देना है. उसके बाद की प्रोसेस है वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा, लेकिन वो ऑडिबल नहीं है. सो मैं बोलने का ट्राई करूंगा और आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो लेट्स गो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल EJCA पे लॉगिन करने के बाद ना आपको ट्रैक स्टेटस पे जाना है. देन ट्रैक स्टेटस पे जाने के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे तो अपना ट्रैक आईडी पे जो पहले नंबर पे होगा जिसमें ना पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग के पास में एक्शन का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है. और उसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर 3 parts होंगे, जो तीनों पार्ट को आपको फिलअप करना है. लाइक पहले का है बेसिक डिटेल्स, तो बेसिक डिटेल्स के अंदर आपको ना अपनी सारी डिटेल्स दे रखी होगी, कहाँ से हो और क्या आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एवरीथिंग. जो फिलअप है उसको फिलअप रहने देना है, और अगर कोई चीज़ फिलअप नहीं है तो फिलअप कर देना है. एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है. उसके बाद जो होगा कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर आपको नहीं है लाइक डायबिटीज़ एंड एनीथिंग सो आपको नो पे क्लिक कर देना है. सो यूजुअली नो पे क्लिक करना है. एंड राइट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है. सो इसके बाद आएगा कि आपने ना कौन से टेस्ट करवाए हुए. सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लड HD एंड HbA1c जो भी हमने टेस्ट करवा रखे, लाइक सारे यही टेस्ट हमको करवाने भी होते हैं क्लास 1 के अंदर. सो ये सारे टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है, लाइक एक्सरे, ECG और सब कुछ. एंड उसके बाद आपको जस्ट चूज फाइल पे क्लिक करना है. एंड देन जो भी आपने फाइल ना, जो भी अपने रिपोर्ट्स होंगे उसकी एक PDF बनानी थी जो आपने सेव कर रही होगी, बस उसको उसी के अंदर ओपन करना है अपने लैपटॉप या iPad के अंदर. और जैसे ही आप ओपन करोगे वो PDF ना इसके अंदर अपलोड हो जाएगी. सो बेसिकली इसको ही कहते हैं कि आपने जो क्लास 1 के टेस्ट करवाए होंगे ना उसको बस अपलोड करना होता है. जैसे रीचेक कर देना है कि वो ना लाइन के अंदर हो, लाइक फर्स्ट आपने जो इसके अंदर क्लिक किया था वो भी फर्स्ट ही होना चाहिए. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे आपको क्लियर करना है. एंड जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे रिपोर्ट्स जो मैंने करवा रखे हैं वो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे अपलोड हो गए लाइन टू लाइन. सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, जो भी आपको डॉक्टर ने बोला होगा वही सारे रिपोर्ट्स आपको करवाने होते हैं. और इसके बाद अपलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है. अपलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है. तो आपकी सारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो EJCA अकाउंट पे ना अपलोड हो चुके हैं. सो इतनी प्रोसेस है, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स रियली इजी, लाइक उतना टफ काम नहीं है रिपोर्ट्स अपलोड करना, बट पता नहीं होता है. सो नॉर्मली एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ट्रैक स्टेटस में जाके एक्शन पे क्लिक करके अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करके अपलोड रिपोर्ट्स, दैट्स इट. उससे आगे कुछ नहीं करना. या गाइस, दिस ऑल डन बाय सुवांजन गोज. अगर किसी को ये करवाना है 50 rupees देके इसके पास, 50 नहीं मैं 500 rupees लूंगा. 50 rupees में इसके पास. अरे 50 में नहीं भाई, अभी मार्केट में अपना नाम ज्यादा आ रहा है ना, तो डिमांड ज्यादा है. डिमांड के हिसाब से तो ज्यादा बनता है ना 500 rupees में. एकमात्र दल्ला. अरे दल्ला नहीं भाई, एजेंट बोल. एजेंट. अरे एजेंट भाई. एकमात्र दल्ला सुहांजन घोष, रामपाल चौक में.